हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कीवीज फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो आज तो आपको पता ही है कि कीवी हमारे साथ अब नहीं है, कीवीज की वीडियो अब नहीं आएगी। बट कीवी की वीडियोस नहीं आएंगी, लेकिन कीवी का चैनल बंद नहीं होगा। कीवी हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा, लेकिन कीवी का चैनल बंद नहीं होगा। कीवी के चैनल पे अब फैमिली व्लॉग आएगा, और ये जो व्लॉग्स होंगे ये हमारी फैमिली के होंगे। कीवी के चैनल बंद नहीं होगा, क्योंकि ये कीवी के नाम का चैनल है, और कीवी के नाम का चैनल बंद हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो आज का व्लॉग है कि कीवी जा चुका था, और उसकी याद हम लोग को बहुत ज़्यादा आ रही थी। आप सब जानते ही हैं वो हम लोग के साथ कैसे रहता था, कितने खुल मुल के। तो बस इसीलिए हम लोग को उसकी याद आ रही थी, तो हम लोग बस घर से थोड़ा दूर जाना चाहते थे। तो हम लोग थोड़ा पार्क घूम रहे थे, बस घूम रहे थे, टहल रहे थे, ताकि हम लोग बस कीवी की यादों से थोड़ा दूर जा सके, ताकि हम लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा ना हो। क्योंकि कीवी एक ऐसा पक्षी, एक ऐसा पैरेट है जो दुनिया में सिर्फ अनोखा है, हमारे लिए तो सच में अनोखा है। कीवी से बढ़कर हम लोग के लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कीवी अब जा चुका है, लेकिन कीवी की यादें अब हमारे साथ हमेशा रहेंगी। कीवी हमारे साथ रहेगा, उसकी वीडियोस हमारे साथ रहेंगी। हम लोग ने वीडियोस इसीलिए बनाई थी क्योंकि ताकि जब कीवी हमारे से चला जाए दूर, तो हम लोग कम से कम उसकी वीडियोस के साथ ज़िंदा रहें। हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कीवी हम लोग को इतनी जल्दी अलविदा कह देगा। कीवी की वीडियोस, कीवी सब अनोखा है। तो याले चैनल पे अब फैमिली व्लॉग आएगा। आपने जैसे कीवी को सपोर्ट किया था ना, वैसे हम लोग को भी सपोर्ट करिएगा, और हम लोग कीवी की वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाएंगे, पर फैमिली वीडियोस ज़रूर पोस्ट करेंगे। तो आप लोग उसको सपोर्ट करिएगा। हम जानते हैं कि आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। तो आप लोग ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कीवी को क्या हुआ, कीवी ऐसे कैसे चला गया। तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी कि कीवी को हुआ क्या था। जैसे ही हम लोग स्कूल से आए, यानी उसकी बड़ी बहन और बड़ा भाई, हम लोग उसके भाई बहन थे, स्कूल से जैसे ही वापस आए, उसने वो अपने भाई के साथ यानी अंश के साथ उसने खेला, कूदा, मस्ती करी, और फिर उसके कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। फिर 10 मिनट में उसकी तबीयत ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से ख़राब हो चुकी थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था। और यहाँ पर कोई पैरेट डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर नहीं है जो कीवी का इलाज कर पाता, इसलिए हम लोग कीवी की इलाज भी करवाने के लिए नहीं ले जा पाए। और कीवी इसी जगह हमेशा बैठा रहता था। फिर क्या हुआ कि कीवी के पापा यानी डैडा को उसके कॉल किया गया, डैडा आए, और वो 5 मिनट के अंदर ही डैडा के लिए रुका, और हम सब से मिल करके उसने हम लोगों को अलविदा कह दिया हमेशा हमेशा के लिए। अब कीवी की यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। आप भी हम लोगों को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो बाय बाय।